इसमें मौजूद हूँ जिला गाजीपुर सैदपुर सैदात वाली रोड पे। आप देख रहे हैं जिस तरह से नवरात्र 15 तारीख से शुरू होने वाला है और वहीं पे मूर्तियों की जो तैयारी है जोरों पे चल रही है और इसमें पेंटिंग का कार्य चल रहा है और कल से इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन ये मूर्ति जो यहाँ पे बन रही है, कितनी मूर्तियाँ क्या यहाँ से अन्य जिले भी जाती है मूर्तियाँ, और इस मूर्ति बनाने में हमें कितना समय लगता है, इसमें कितना बजट खर्च होता है और कितनी हमें तैयारी करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग भी चल रही है, काफी तैयारियां हो चुकी है और इसे कल से ये बात करने पता चला था कि ये जो ये मूर्ति यहाँ पे बन रही है लगभग कल या परसों से इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि और 14 से 15 से तो मूर्तियां उठ जाती थी लेकिन इस बार कुछ ऐसी बात थी कि जिसमें लोग कंफ्यूजन में थी और मूर्तियां जो है कि तैयारी करने में काफी समय भी लग सकता है क्योंकि डबल काम मेहनत पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई साहब है, हम इनसे भी बात करेंगे कि जो अभी मूर्ति की क्या स्थिति है। ये मूर्ति का काम आप कब से करते हैं भैया? ये लगभग 29 बरस हो गया मेरे को। 29 बरस आप अकेले करते हैं? अकेले करते हैं, अकेले। कहीं से सीखा था? हाँ, बंगाल से सीखा था हमने। अच्छा, तो यहाँ की जो मूर्तियाँ आप बनाते हैं तो कहाँ कहाँ जाती है? ये लालगंज और आजमगढ़ और बनारस के क्षेत्र में और भी इधर नंदगंज के क्षेत्र में जाती है, सादात क्षेत्र में जाता है, इधर आपका चहनिया मुगल सराय क्षेत्र में जाता है, बहुत सारी जगह है। ये बनाने में कितना बजट खर्चा और कितना मेहनत लगती है भैया? मेहनत तो खैर इसमें 2 से 3 महीना अबाउट ये लगभग लग जाता है, लेकिन एक बजट इसको एक मूर्ति कंप्लीट करने में 4,500 के अबाउट निकल जाता है खर्च। जाती कैसे हैं? जाती है ये 10,000 की जाएंगी, 12,000 की जाएंगी, 11,000 की जाएंगी, जो जैसा होता है उस हिसाब से। कितने समय से तैयार शुरू हो जाती है इस मूर्ति की तैयारी में? ये 2 महीने पहले से शुरू होता है काम। इसकी जो सामग्री बाहर से लानी पड़ती है या? हाँ, बाहर से आती है, सब बंगाल से आता है माल इसका जो तो है। इसमें किस तरह के रूप, क्योंकि 15 तारीख से तो जो है कि नवरात्र चढ़ने वाला है और मूर्तियों की मांग भी कब से डिमांड हो जाएगी, तो इसमें कितने रूप अब बाकी और कहाँ तक पहुँची है थोड़ा बताएंगे भैया? अब डिमांड की बात तो अलग है, वो तो ऑर्डर पहले होता है, जितना ऑर्डर होता है उसी हिसाब से जो है यहाँ पे वर्क होता है, बहुत ज्यादा बना के स्टॉक रखने वाला काम नहीं होता है, तो जितना ऑर्डर होता है उसी हिसाब से काम तो करते हैं। कितने का ऑर्डर आया है आपका? बस लमसम लगभग ये पूरी का पूरा जो है एक आग छोड़ के बाकी सबके ऑर्डर है। तो इसमें क्या चला, अंतिम रूप कब इनको दिया जाएगा? अंतिम रूप कल से दिया जाएगा जो है। आज की प्रक्रिया क्या है यहाँ पे? आज ये रात में पेंटिंग किसी भी तरह कंप्लीट करके कल से अंतिम रूप दे करके 4 बजे से मूर्तियों की निकासी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपने कहा था कि मतलब हम लोगों को कुछ कंफ्यूजन था, तो उसमें क्या कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा कस्टमर से बात करने में कंफ्यूजन था, क्योंकि जिसने ऑर्डर किया वो बताया नहीं कि हमें कब चाहिए, हमने सोचा कि ये सप्तमी को चाहिए, तो अब सप्तमी और फर्स्ट नवरात्र में अंतर 3-4 दिन का डिफरेंस हो जाता है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। तो आप लोग का ये जो रोजगार है भैया मूर्ति बनाने वाला, तो साल में एक ही बार चलता है कि और चलता है? नहीं, और चलता है, इसमें विश्वकर्मा पूजा है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, गणपति है, तमाम पूजा लगातार चलता रहता है। हाँ, कुछ न कुछ लगा रहता है उसमें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।